क्या था जी सर, जो आतंकी गतिविधियां फिर से बढ़ रही है, जो लोग आतंक फैलाने वाले हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई पहले भी हुई है और अब भी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई ही होगी। कुछ लोग हैं जो लगातार शांति को भंग करना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर के हालात खराब करना चाहते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे सुरक्षा बल इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। सर, 4 पूर्वांचल स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर में, क्या लगता है ऐसा सीनियर लीडर ऑफ द पार्टी के चांसेस है, खासकर झारखंड में? भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां डबल इंजन की सरकारें चली हैं वहां विकास देखा है, राज्य को आगे बढ़ता देखा है। और इन राज्यों में भी जहां मैं बात करूं झारखंड की, बिहार की, बिहार तो अगले वर्ष है लेकिन इस बार झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, इन सब राज्यों में चुनाव है और मुझे पूर्ण विश्वास है जनता एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाएगी और अपने अपने राज्य का और राज्यवासियों का विकास करवाएगी। सर, आरजेडी और कांग्रेस काफी हमलावर है पूरे दिन में, आज जिस तरह से वीआईपी के जो अध्यक्ष है मुकेश सहनी उनके पिता की हत्या हुई है, कह रहे हैं नीतीश कुमार के राज्य में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है बिहार। देखिए, बहुत दुखद घटना है और इसकी जांच भी होनी चाहिए और जो लोग इसके पीछे हैं उनको पकड़ के उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। कानून व्यवस्था हर राज्य में अच्छी रहे, चाहे एक राज्य हो या दूसरा राज्य हो, और वहां पर नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर उचित कदम उठाने चाहिए। चले साहब, थैंक यू, ठीक है भाई, शुभकामनाएं।